पाइनएप्पल कुकीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग पाइनएप्पल को छोटे छोटे स्लाइस कर लेंगे और फिर इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये हमारा सारा पाइनएप्पल जो है वो ग्रेट हो चुका है और अब चलिए इसे हम लोग कुक करते हैं। तो कुक करने के लिए सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में 1 स्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल या फिर घी लेंगे और फिर ग्रेट किए हुए पाइनएप्पल को इसमें डाल देंगे। और अब हम लोग एकदम लो स्टीम पे इसे चलाते हुए कुक करेंगे। तो इसी टाइम में हम लोग इसमें चीनी भी मिक्स कर लेंगे। तो चीनी हम लोग पाइनएप्पल के स्वीटनेस के अकॉर्डिंग मिलाएंगे। अगर पाइनएप्पल ज़्यादा मीठा रहेगा तो हम लोग कम चीनी देंगे और खट्टा रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा चीनी देंगे। और फिर इसे मिक्स चलाते हुए बिल्कुल ऐसे ही हम लोग इसे ड्राई कर लेंगे। थोड़ा भी जूस नहीं रहना चाहिए या रस नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही ड्राई पाइनएप्पल रेडी कर लेना है। और अब हम लोग फिर से एक बाउल में 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लेंगे और साथ में ही 1 स्पून क्रीम चीज़। और फिर इसे हम लोग 2 से 3 मिनट तक अच्छा से विस्कर से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग 40 ग्राम के लगभग पाउडर शुगर, इंस्टेड ऑफ पाउडर शुगर आप लोग आइसिंग शुगर भी मिला लेंगे, मिला सकते हैं। और फिर इसे हम लोग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग एक योग मिक्स करेंगे। तो वाइट एग हमें यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक योग ही लेना है। और फिर से इसे हम लोग 2 मिनट मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें 200 ग्राम के लगभग मैदा मिलाएंगे। तो मैदा डालने के बाद हम लोग बीच में हल्का सा एक थोड़ा सा मतलब गड्ढा जैसा कर लेंगे, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। और अब इसी में हम लोग यहीं पे हम लोग कस्टर्ड पाउडर मिलाएंगे। तो मैं कस्टर्ड पाउडर 20 ग्राम्स के लगभग यूज़ कर रही हूँ और ये वेनिला फ्लेवर के कस्टर्ड पाउडर है। तो इसे हम लोग डाल के और फिर इसे अच्छे से हम लोग नीड करते हुए एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो डो बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब इसे हम लोग फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम लोग कुकीज़ बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हथेली में घी लगा लेंगे और फिर ऐसे ही छोटे पेड़े लेते हुए हम लोग इसके बॉल्स रेडी करेंगे। बॉल्स रेडी करने के बाद इसी तरह से हम लोग अंगूठे से हल्का प्रेस करते हुए इसे एक कटोरी के शेप में ले लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें कर लेना है। और उसके बाद इसमें हम लोग रेडी किए हुए स्टफिंग को फिल करेंगे। तो स्टफिंग ज़्यादा नहीं फिल करना है, नहीं तो ये लीक होने लगेगा। और अब इसे अच्छे से हम लोग पैक कर लेंगे। तो पैक करते समय ख्याल रखिएगा कि इस पे कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है और फिर इसे इस तरह से करते हुए इसे प्लेन कर लेना है। बिल्कुल ऐसे ही हमें कर लेना है। कर लेने के बाद इसे हम लोग पाइनएप्पल के शेप में देंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें पाइनएप्पल के शेप में देना है। तो एक मैं पाइनएप्पल बनाई हूँ, दूसरा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो इसके लीफ बनाने के लिए थोड़ा सा अलग से डो लेंगे और फिर उसमें ग्रीन कलर मिक्स करेंगे और फिर उसे हम लोग लीफ का शेप में देके इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे। तो नीचे यहाँ पे पतला होना चाहिए और ऊपर के साइड में थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। और फिर इसे हम लोग ब्रेड नाइफ से इस तरह से लीफ का शेप देते जाएंगे। तो ये काम बहुत ही पेशेंटली करना होगा, बहुत ही आराम से करना होगा और स्लोली इसे कीजिएगा ताकि आपके शेप अच्छे से आए। इस तरह से इसे हम लोग पाइनएप्पल का शेप देंगे। तो ये देखिए हमारा पाइनएप्पल के शेप में ये आते जा रहा है। तो लग रहा है ना ये पाइनएप्पल के लीफ।
और अब चलिए इसमें हम लोग पाइनएप्पल का शेप देंगे। तो पाइनएप्पल का शेप देने के लिए इसे हम इसी नाइफ से इस तरह से डिज़ाइन करते जाएंगे। तो इस तरह से लाइन देंगे, ये एक साइड हो गया है और अब हम लोग इसके अपोजिट साइड में भी बिल्कुल ऐसे ही लाइन देते जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो इसे विदाउट कलर भी कर सकते हैं, जैसे मैं ये बाजू वाले पाइनएप्पल की हूँ, और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पाइनएप्पल शेप का कुकीज़ रेडी हो चुका है। तो ऐसे ही हम लोग सारे कुकीज़ रेडी कर लेंगे, या और कोई शेप में भी आप लोग इसे कर सकते हैं। और फिर इसे हम लोग कन्वेक्शन मोड पे 250 डिग्री सेल्सियस में 15 मिनट तक बेक करेंगे। ये हमारा पाइनएप्पल कुकीज़ रेडी हो चुका है। और अब चलिए इसे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट कुकीज़ रेडी हुए हैं, और साथ में ही देखिए ये अंदर से ये कच्चा भी नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कुकीज़ की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।